बीजेपी ने राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं बताया, लेकिन बीजेपी के पास सबसे बड़ा जादूगर यानी कि नरेंद्र मोदी है। अशोक गहलोत लोकल इशू पर वोकल हैं और वो इस चुनाव को लोकल ही रखना चाहते हैं। किसी भी सूरत में गहलोत नहीं चाहते हैं कि चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के दौरान ही एक लहर बनाना चाहते हैं। राजस्थान में ग्राउंड पर क्या चल रहा है, किसकी रैली में कितनी भीड़ आ रही है और क्या है विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए 180 दिन बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का रिहर्सल, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दीदी ने भगवान शंकर को त्रिशूल देर स्वागत अभिनंदन कर दिया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक गमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन की बात बार बार क्यों की? कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। क्या राजस्थान का चुनाव भी फंस गया है? सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है ये पूरे देश ने देखा है। क्या बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से अच्छी रिपोर्ट नहीं आई? क्या छत्तीसगढ़ में भी मोदी की पार्टी की रिपोर्ट खराब है? मोदी, योगी, शाह और नड्डा, बीजेपी का फुल फोकस अब राजस्थान पर है और पिच सनातन धर्म की। राम और कृष्ण राजस्थान के चुनाव में सबका नाम चल रहा है। योगी हिंदू वोटर्स से खुलकर राम राम कह रहे हैं। कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस यही कहती थी ना, हमने कहा था रामलला हम आएंगे और मंदिर बनाने के पहले हमने ये भी कहा कि रामलला हम आएंगे लेकिन पहले ढांचा हटाएंगे। गुलामी का ढांचा हटा ना, राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कांग्रेसी हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं और इसने भाइयों बहनों जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो उनके स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। आदरणीय प्रियंका दीदी ने भगवान शंकर को त्रिशूल देर। राजस्थान में वोटिंग शुरू होने में 100 घंटे ही बचे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को सनातन के पिच पर खेलता देख कांग्रेस बेचैन है। धर्म की बात और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है? जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो, तो इसका मतलब है कि काम के आधार पर मांग नहीं सकता। राजस्थान में नरेंद्र मोदी की पार्टी सचमुच पिछड़ रही है या फिर वो 150 से 160 सीटें जीतने के लिए ऑल आउट वॉर का ऐलान कर चुकी है। विकसित भारत और विकसित राजस्थान का। बीजेपी ने राजस्थान में अपनी पूरी ताकत लगा दी है।
सारे बड़े मंत्री, सारे बड़े नेता राजस्थान में हैं। और मोदी जी का देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनेगा, 300 सीट से तो बनेगा ही बनेगा। ये राजस्थान का चुनाव में अगर हम लोग 140 सीट पार कर देता हूं ना, देश में इतना बड़ा संदेश जाएगा, नरेंद्र मोदी 400 सीट पार करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। लगते है कि नहीं लगते आप लोगों को? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी 2019 के फॉर्मूले से 2023 का राजस्थान चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी वसुंधरा राजे के 2018 वाले फार्मूले पर नहीं चल रहे। वसुंधरा के फार्मूले पर 2018 के चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में 73 सीटें जीती थी। कांग्रेस 100 सीटों पर आगे रही थी। सिर्फ 6 महीने बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी के फार्मूले पर चलकर 176 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली। कांग्रेस को केवल 16 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली। क्या बीजेपी राजस्थान में फिर से 176 सीटों पर लीड ले सकती है? अशोक गहलोत बाकायदा एक नंबर बता रहे हैं। जादूगर मुख्यमंत्री का कहना है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस राजस्थान में 156 सीटें जीतेगी। टारगेट 156 का ही है और कोई आर्यत आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पर डिपेंड करता है पब्लिक पर। पब्लिक क्या सोचती है डिपेंड उस पर करता है। कई बार लगता है जैसे कोई अंडरग्राउंड चल रहा हो, पब्लिक के मन के अंदर भावना है, सरकार रिपीट होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल 2023 में ही 2024 के चुनाव का रिहर्सल कर रहे हैं। यहाँ से उन्हें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें दिख रही हैं। इसीलिए मोदी और मोदी की पार्टी का फोकस लोकल नहीं, नेशनल है। राजस्थान के लिए बीजेपी के पिटारे में है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, हिंदुत्व, सनातन, तुष्टिकरण पर चोट, करप्शन पर एक्शन, परिवारवाद पर प्रहार, वेलफेयर यानी मोदी केयर। नरेंद्र मोदी लोकल इश्यू को भी नेशनल फ्लेवर देना जानते हैं। यहाँ राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं। मोदी और योगी यदि नेशनल इश्यूज पर वोकल हैं तो गहलोत लोकल पर वोकल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं ले रहे। राजस्थान का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस अपना ध्यान नहीं भटका रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फुल फोकस एक दलित इंजीनियर की पिटाई करने के आरोपी गिरिराज मलिंगा पर है। राजस्थान में दलित वोट बैंक बहुत बड़ा है। करीब 18% आबादी और दलितों के लिए 33 सुरक्षित सीटें, जहां एक एक वोट की लड़ाई है। वहां खड़गे को लगता है कि गिरिराज मलिंगा का मुद्दा दलितों को कांग्रेस की तरफ कर देगा। 1% 2% का वोट स्विंग भी कांग्रेस की उम्मीदों को हरा कर देगा। खड़गे की तरह अशोक गहलोत भी फोकस्ड है। वो मोदी पर जा नहीं रहे। गहलोत मोदी के इश्यूज पर बात नहीं कर रहे, वो एकदम ग्राउंड पकड़कर चल रहे हैं। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली, हर महीने अन्नपूर्णा राशन किट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, रोडवेज बसों में महिलाओं का किराया हाफ, ओल्ड पेंशन स्कीम, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई फ्री, युवाओं को मुफ्त लैपटॉप,
महिलाओं को 10,000 रुपए और महिलाओं को स्मार्टफोन।